व्रती महिलाओं ने दिए उगते सूर्य को अर्घ, जल ग्रहण कर उपवास को तोड़ा। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां लोग एवं आस्था का प्रतीक कहे जाने वाले महाछठ पूजा बड़े ही धूमधाम से आज मनाया गया है। संतान की लंबी उम्र व परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ व्रती महिलाओं ने छठ पर्व पर निर्जल व्रत रखकर कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और आज सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर इस पर्व का समापन किया है। श्री माँ ललेरी छठ महासमिति बमघाट में 3 दिन से व्रत रही महिलाओं ने छठ माता को गन्ना, फल, फूल एवं तमाम प्रकार के मिष्ठान आदि अर्पित कर अपने पुत्रों की लंबी उम्र की कामना के लिए ही आज घाट पर पहुंची थी और व्रत का उगते हुए सूरज को अपना अर्घ दिया है। 2 दिन की कठिन निर्जल व्रत के बावजूद भी महिलाओं के चेहरे पर पूजा के प्रति काफी उत्साह दिख रहा था। वहीं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं छठी मैया को एक बार फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने पुनः घाट पर आज पहुंची थी। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती महिलाओं ने जल ग्रहण कर उपवास को तोड़ा था। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं उगते सूरज को किस प्रकार के लोग अर्घ यानी दूध का जल चढ़ा रहे हैं और व्रती महिलाएं जो हैं इस चढ़ावे दूध के बाद व्रत का समापन करेंगे और व्रत का पालन करेंगे। आप साफ तस्वीरों देख सकते हैं किस प्रकार से श्री माँ ललेरी छठी महासमिति के द्वारा बमघाट पर कार्यक्रम किया जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि साल में एक बार ये पर्व मनाया बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोगों में बड़ा उत्साह रहता है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी यहाँ पहुँचते हैं, अपने परिवार के साथ नदी के किनारे पहुँचते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करने के बाद व्रत का समापन कर अपने घर को वापस लौटते हैं। व्रत के समापन के बाद आप देखिए किस प्रकार से लोग घर अपने वापस लौट रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के द्वारा सुबह के द्वारा जलपान की भी व्यवस्था की गई है, चाय व बिस्कुट के साथ कुछ लोग व्रत का पालन भी कर रहे हैं तो कुछ लोग सुबह की काली चाय का आनंद ले रहे हैं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये पर्व मनाया कामना के लिए है। अच्छा, अभी जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है देखते हैं, बड़े उमंग से आते हैं यहाँ पे छठ के महापर्व पे और ये पर्व मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से लगाते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, घर मतलब रिश्तेदारों से भी इस कार्यक्रम कराया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी करें सबकी करें। तो व्रत का पारण भी ये किया आपने? छठ का पारण आज हो चुका है और हम लोगों ने छठ का पारण भी कर लिया है। अब छठ मैया सबका मनोकामना